आज हम चावल के आटा और सूजी से बनाएंगे हेल्दी नाश्ता, वो भी कम समय में। नमस्कार दोस्तों, पिंकी फार्मा ब्लॉग में आपको स्वागत है। अप्पी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चावल के आटा, 1 कप दही और थोड़ी सी गाजर मैंने बारीक काट लिए है, पत्ता गोभी, प्याज और हरी मिर्च। अब मैं सबको एक साथ मिला लेंगे। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, 1 कप इसको मिला लूँगी। अब मैं 20 मिनट के लिए बटर को रेस्ट के लिए रख दूँगी। 20 मिनट हो गई है। अब मैंने गैस पे एक पैन रखी हूँ, उसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी तेल, तेल में डालूँगी मैं थोड़ी सी तिल, उसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी करी पत्ता और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तड़का को मैं फिर मिला देंगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 पैकेट घीनो और उसको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने एक अप्पी पैन गैस में रखी, इसमें हल्का हल्का तेल लगा लेंगे। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके अप्पी पैन में डाल दूँगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा देंगे। हम देते हैं ऊपर से, हम थोड़ी थोड़ी तेल लगा देंगे फिर पलटाएंगे उसको। मैंने पलटा दिया। मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें थोड़ी सी तेल लगा लेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बैटर। मैं ऊपर से थोड़ा ढक्कन लगा दूंगी 2 मिनट के लिए। मैंने थोड़ी सी मूंगफली भूनी है चटनी के लिए, 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको पलटा देती हूँ। ऐसे थोड़ी थोड़ी तेल लगा देंगे। अब मैं दोबारा 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा दूंगी। अब मिक्सर में थोड़ा सा मूंगफली डाल, थोड़ी हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ी सी धनिया के पत्ते, थोड़ी सी नमक डालेंगे। तो हम समझ लिए, हमारी सूजी और चावल के आटे से बनी हुई नाश्ता तैयार है।